जय गुरुदेव। धन गुरुदेव रविदास महाराज जी के जीवन नाल संबंधित बहुत सारिया घटनावां अते उन्हां दे दूसरे ग्रंथों विच उन्हां बारे की लिखिया है अज गल करांगे इस बारे। चित्तौड़ दी राणी चालाबाई ने बनारस आ के आप जी नू अपना गुरु तारिया। जदों ब्राह्मणा नू इस बारे पता लग्या तां उन्हां ने दान बारे झगड़ा किया। चित्तौड़ दी राणी चाला वल्लों सद्दा पत्र भेज के आप नू चित्तौड़ राज विच चरण पाउण लई बेनती कीती। ब्रह्म भोज दे समय ब्राह्मणा ने राणी नाल झगड़ा किया अते सुक्की रसद लै के अपना अलग भोजन बनाया, पर अंत विच ब्राह्मण भी गुरु जी दे कायल हो गए। परचाई गुसाई रविदास भगत की। भाई दरबारी दास रचित ग्रंथ हर जस विच दर्ज है, जिस दे अनुसार गुरु रविदास जी एक ग्रस्ती संत सन अते ब्राह्मणा ने राजे पास आप जी दे कई शिकायतां कीतियां। गोष्टा मेहरबान कृत कवि मनोहर दास जी मेहरबान, जिन्हां ने 1581 तों लै के 1640 विच एक ग्रंथ लिखिया, जिस विच रविदास महाराज दी बाणी दस्या गया है कि पंजाब दे लोकां दे कोल आम हुंदी सी। मरदाना ये बाणी गुरु नानक देव जी नूं गा के सुणाउंदा सी अते भगतां समेत गुरु नानक देव जी अते होर गुरु रविदास दियां मिलनी दा उलेख भी होया है। परमार्थ सुखमणि सहसरनामा ग्रंथ, जो कि सोढ़ी हर जी ने 1703 बिक्रम संबत विच लिखिया, जिस विच रविदास महाराज जी नूं जिस वेले अलावादी पातशाही ने अपने दरबार विच बुलाया अते बुला के सन्मानित जगह ते बिठाया अते राजा जी ने यह कहा कि रविदास महाराज सानू कोई करामात दिखाओ। ता गुरु जी ने कहा, पातशाह करामात तो पहला ही हो गई, तुसी एक चमार दे घर जन्म लैण वाले पुरश नू अपने बराबर आसन ते बिठाया, दसो इस तो वड्डी होर करामात की हो सकती है। गुरु रविदास जी ने देश दे वक् वक् हिस्सों की यात्रा की अते अपने तर्कशील विचारां नाल वड्डे पद्धर उत्ते लोकां नू प्रभावित कीता। सुभाविक सी कि उन्हां दी इह सिक्खी सेवकी देश दे बहुत हिस्सों विच पाई जांदी है, ना केवल आम लोग बल्कि राजसत्ता नाल संबंधित लोग भी उन्हां दे पैरोकार बने। इन्हां विचों मीराबाई, राणी झाला, उदयपुर दा महाराजा सांगा, राजा चंद्र प्रताप अते बीबी भानमती हन। गुरु जी दे प्रभाव राजस्थान विच इस करके वध सी, उत्थों दे सत्ताधारी परिवार दे उह कुल गुरु सन। राणी झाला अते मीराबाई दोवें राज घराणे नाल संबंधित सन अते सतगुरु रविदास महाराज उन्हां दे गुरु सन। गुरु रविदास महाराज जी दी गुरु नानक देव जी नाल गोष्ठी होई अते कबीर महाराज नाल गोष्ठी होई अते संत रामानंद जी नाल भी उन्हां दी गोष्ठी होई अते सिकंदर लोधी नाल भी उन्हां दी गोष्ठी होई। गुरु नानक देव जी नाल गोष्ठी दौरान उन्हां दीआं तीन मुलाकातां होईआं। पहली गोष्ठी चुड़काने ननकाणा साहिब विखे होई, जदों गुरु नानक देव जी छोटे सन। पंज संत कबीर, त्रिलोचन, रविदास महाराज, सैन अते धन्ना धर्म प्रचार हित पंजाब आए सन। दूजी गोष्ठी संत घाट गुरद्वारे वाली थां ते होई दसी जांदी है। तीजी गोष्ठी कंशी विच गोपाल दास जी दी बगीची विच, जिथे हुण गुरु का बाग गुरद्वारा है। सतगुर रविदास महाराज अते सतगुर कबीर महाराज दीआं अनेकां गोष्ठियां होईआं होणगीआं, क्योंकि उह इक्को ही शहर दे सन अते दोनां दा मिशन अते विचारधारा भी इक सी। सतगुर रविदास महाराज जी दा अंत समां चित्तौड़ राजस्थान विच कुंड अयाम मंदिर दे कोल रविदास महाराज जी दी छतरी अते रविदास महाराज जी दे पैरां दे चिन्ह बने हुए हन। इस तों इह स्पष्ट है कि गुरु जी दा अंत समां इत्थे ही आया। बाकी संत अनंत दास जी जिन्हां दा ग्रंथ हर जस है, उस विच उह लिखदे हन कि
1584 पए चितौड़ में है पीर, जर जर दे कंचन पई रव रव मिलियो शरीर। गुरु रविदास महाराज जी ने बहुत ही लंबिया यात्रावां कीतियां अते कई संतां नाल गोष्ठी कीती अते कईयां सतगुरु रविदास महाराज जी दा ए शब्द, मत पूजियो ब्राह्मण के पैर जे होवे गुणहीन, रविदास पूजो पैर चंडाल के जे होवे गुण प्रवीण। ये शब्द बहुत ही उस समय दी ब्राह्मणवाद जो सोच सी उसनों चोट करता है। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी कह रविदास जमारा। वो एक क्रांतिकारी संत सन, एक अज भी उन्हां दियां गल्लां साढ़े दिलो दिमाग तक रहिंदियां हन अते रहिंदियां रहिणगियां। वीडियो बनाने लगे कोई भी भुल चुक होवी होवे या अक्षर वादा घाटा कुछ भी बोलिया गया होवे तो माफ़ कर देना। अगर तुसी इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दसो जी, अपने सुझाव जरूर दियो जी। बाकी कोई भी भुल चुक हुई होवे तो माफ़ करना, लाइक जरूर करना अते चैनल नू सबसक्राइब जरूर करना। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव।